spinning. Like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with. This life like kryptonite. Hey guys, welcome to Spartan Subs. I hope guys are अच्छे होंगे. So guys, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको वापस से Ancient Temple मोड खेलने के लिए मिल जाए या जो Arcane का जो एक्सक्लूसिव मोड आया तो वो वापस से खेलने के लिए मिल जाए तो आप खुश होंगे कि नहीं. ऑब्वियसली आप खुश होने ही वाले हो. तो जी हाँ, फाइनली एनिवर्सरी अपडेट के लिए जो एक्सक्लूसिव मोड आने वाला था, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा. ये वीडियो में केवल मैं आपको एक ओवरव्यू दिखाने वाला हूँ. एकदम डिटेल में मुझे समझना होगा ये मोड को, और एक डिटेल वीडियो बहुत ही जल्दी कल या परसों आपको देखने को मिलेगा जिसमें मैं आपको एक एक चीज़ समझाने वाला. बट इतना ज्यादा मैं एक्साइटेड हूं ये मोड दिखाने के लिए आप सबको कि मैं केवल एक ओवरव्यू दिखाने वाला हूं. और इतना सारा चीज ये मोड में डाला गया कि हम लोग एक एक चीज जाके एक्सप्लोर करना होगा. वो एक्सप्लोरेशन वाला जो पार्ट है मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूं, बट जो एक्सप्लेनेशन होगा एक एक चीज को डिटेल में समझना, कैसे आपको ये चीज में वर्किंग में लेना, तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही जल्दी एक वीडियो बना के दूंगा. फिलहाल के लिए आप ये एक्सक्लूसिव मोड को एंजॉय कर रहे हो. तो इधर आप देख पर हम लोग को पबजी में ग्लोबल बीटा 1.9 में ये मोड को डाल दिया गया. इधर आप देख पर इरेंगेल एंड लिविक के अंदर ये मोड डाला गया है. और उसी के साथ साथ आपको एक टेम्पल दिखाई दे रहा है. जी हाँ, फ्लोटिंग टेम्पल, एंशियंट टेम्पल वाला, उसी का थीम का आपको दिखाई दे रहा है. तो इसमें जैसे आप मैच मेकिंग करोगे तो आपको एक ग्राफिटी वाला लॉबी में डाल दिया जाएगा जहाँ आपको पूरा एक सर्कल दिखेगा और एक स्टेज दिखेगा. तो ये चीज़ आपको पता है एनिवर्सरी में दिखता है. और उसमें #1 का यूज़ किया गया सबसे ऊपर. तो हम लोग केवल इसमें एक्सप्लोर करेंगे फास्ट मोड में, आपको दिखाने वाला हूँ. पूरा डिटेल वाला वीडियो आएगा, उसका टेंशन थोड़ा भी मत लो, क्योंकि भाई ये जो मोड है इसको आपको डेफिनेटली फायदेमंद देगा. तो जैसे आप मैच में कनेक्ट होगे, मैप खोलोगे, तो आपको इतना सारा जगह दिख जाएगा ना कि आप सोचोगे भाई कौन सा जगह में जाना बेटर होगा. आपको एनिवर्सरी बोल सकते पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दो दिख जाएगा, उसके साथ साथ दो आइलैंड दिख जाएगा फ्लोटिंग वाला, जहां लोग उतरते मारधार करते फिर नीचे आते, तो वो वाला फ्लोटिंग आइलैंड दो दिख जाएगा, जिसमें से एक फ्लोटिंग आइलैंड जो होने वाला है वो आपका एंशिएंट टेम्पल मोड जो है उसी से इंस्पायर होकर आया है. और उसी के अंदर आपको भर भर के लूट मिलेगा. मैं आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिखा दे रहा हूँ, पूरा डिटेल मैं आपको समझाऊंगा कि इसके अंदर भी कुछ आपको पावर ओवर कॉइन वन मिलने वाला है. तो ये कॉइन्स आप देख पा रहे फास्ट फॉरवर्ड में, आपको लूट दिखा दे रहा हूँ. आप अपना कैरेक्टर का बदल सकते हो, कैरेक्टर का कैसा यूज़ है, वो कैरेक्टर चेंज करने से क्या फ़ायदा होगा, मैं एक डिटेल वीडियो आपको बहुत ही जल्दी लाऊंगा जैसे मुझे समझ में आ जाएगा. फिलहाल के लिए आप देख पा रहे हैं एंशिएंट टेम्पल का जो फ्लोटिंग आइलैंड है या टेम्पल है वो आपको दिखाया जा रहा है. थोड़ा बहुत आपको 0.18 का आपको याद दिला रहा होगा ये मोड, या 0.19 मुझे ठीक से याद नहीं है. तो ये वाला फ्लोटिंग आइलैंड में आपको लूट भर भर के मिलेगा, कॉइन मिलेगा. और कॉइन का तो यूज़ आपको पता है, जैसे नाकोर कॉइन का यूज़ होता था, जो कॉइन सबका यूज़ था आपको पता है स्टोर में जाकर करते, तो वैसे आपको ये जो कॉइन मिलेगा इसमें आपको स्टोर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगा. आपको अपने प्रोफाइल से या बैकपैक से वो चीज़ मिल जाएगा. ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको दिखा दिया शॉर्ट में. उसके साथ साथ हम लोग ये थोड़ा सा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, और उसके साथ साथ आप लोग नीचे चलेंगे. नीचे जैसे चलोगे तो आपको बहुत सारा चीज़ और दिखेगा. छोटा छोटा जगह में आपको फोर दिखेगा, तो ये छोटा मोटा आइलैंड दिख जाएगा. नीचे जमीन में आपको बहुत सारा और भी चीज़ दिखेगा. सबसे पहला जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला जैसे फोर लिखा हुआ छोटा सा, उधर जाओगे तो आपको एक छोटा सा एनिवर्सरी क्रिएट मिलेगा जिसको आपको ऑपरेट करना होगा. और इसमें भी कुछ पावर वर्ड दिख रहा था बट उसका समझ में नहीं आया, बट वो क्रिएट लूट के मैं उधर से निकल गया. उसके साथ साथ आपको बहुत सारा जगह में ऑरेंज डॉट भी दिखेगा. वो ऑरेंज डॉट जो है ना लिटरल बहुत ही ओपी पावर है. एग्जैक्टली अगर आप बीटा में देखो ओवर पावर भी कुछ कुछ चीज रहता है, उसको बाद में फिक्स करके हम लोग ग्लोबल में लॉन्च किया जाता है. अगर एग्जैक्टली ये बीटा वाला चीज आ जाएगा ना वो नेक्स्ट लेवल है. तो जैसे मैं ऑरेंज वाला जो गोला में गया था उसमें मैं उसको एक्टिवेट किया, तो आपको पता है कि पेलोड 2.0 में हम लोग एक रडार सिस्टम मिलता है. वो रडार में जितना भी गाड़ी आता है तो वो हम लोग ग्रीन ग्रीन ब्लिंक करता है. बट ये वाला जो चीज है ये नेक्स्ट लेवल है. इसमें क्या होगा कि आप एक्टिवेट करोगे तो आप खुद ही रडार बन जाओगे, मतलब आपके अंदर ही रडार फिट हो जाएगा. आप जहां जहां जाओगे जितना भी आजू बाजू का कहीं भी चल जाओ मैं आपका, वो आपको दिखते रहे ग्रीन साइन में. तो ये नेक्स्ट लेवल चीज था जो कि मैं को शॉर्ट में एक्सप्लेन किया. वापस से मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, उसका दिक्कत नहीं है. ठीक है, उसके बाद अभी हम लोग चलते हैं जो मेन एनिवर्सरी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है या बोल सकते हो एरिया है, उधर चलते हैं और उधर फटाफट से हम लोग पहुंचते हैं, उसके बाद मिलता हूं. ओके गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने एनिवर्सरी पार्क में पहुंच गए, जो भी बोल सकते हो इसको ग्राफिटी थीम से है. लूट इसमें भर भर के आपको मिलेगा, क्रेट्स भी मिलेगा एनिवर्सरी क्रेट, जिसमें आपको लेवल 3 का गियर्स मिल सकता, ऑम मिल सकता, फ्लेयर गन भी मिल सकता. बट सबसे वो इंटरेस्टिंग चीज़ आपको इधर बाईसाइकिल दिखाई देगा. हाँ, नॉर्मल साइकिल दिखाई देगा जो कि नेक्स्ट लेवल चीज़ है. मैं आपको ऑलरेडी कल का वीडियो में बताया था और इवन मैं पीसी वर्जन में दिखाया था, तो मुझे नहीं पता था कि ऐसे ये लोग इंट्रोड्यूस करेंगे बाईसाइकिल को हम लोग गेम के अंदर. जी हाँ, फाइनली बाईसाइकिल को इंट्रोड्यूस किया गया. अभी जो बाईसाइकिल है ना सबके नज़र में आया, इसलिए आप बोल सकते हो जो मेन आइलैंड है उसी एरिया में केवल आपको शायद साइकिल देखने को मिलेगा पेंटेड वाला. और ये साइकिल का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि आप इसको बैकपैक में रख सकते हो. और इसके साथ साथ मेन चीज़ है, इसमें कोई भी गैस या फ्यूल नहीं लगेगा, चलाओ जितना चलाना है,
जहां जाना जाओ, थोड़ा स्पीड कम रहेगा बट डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब आप बहुत दूर हो जोन से और आपका कोई व्हीकल नहीं मिल रहा था, बैकपैक से निकालो साइकिल को, आप कहीं भी चल जाओ, पेट्रोल का कोई भी झंझट नहीं है। बाकी मैं आपको थोड़ा सा टीजर वाला वीडियो दे दिया, बहुत ही जल्दी एक डिटेल वीडियो आएगा जिसमें हम लोग एक एक चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे क्या चीज़ किस लिए बनाया गया है। हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ मतलब होता है आपको पता है मोड्स के अंदर, उसके लिए मुझे खेलना होगा और भी डीपली समझना होगा और उसके बाद आपको मैं डीपली समझाऊंगा कैसे इसका वर्किंग है। इससे ये फायदा होगा कि जब भी ग्लोबल में ये आएगा सबसे पहले आप लोग को पता रहेगा कि कैसे ये चीज़ को करना है। बहुत लोगों को कन्फ्यूज रहता है कि भाई ये मोड पे करना क्या चाह रहे, तो वो लोग बेनिफिट नहीं उठा पाते बट आप लोग को बेनिफिट मिलता है क्योंकि आप लोग मेरा वीडियो देखते हो। तो अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, जल्दी हम लोग मिलते हैं बहुत सारे लिंक्स के साथ, अभी भर भर के लिंक्स भी आएगा बट लिंक्स वाला वीडियो हम लोग कल देखेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग ये वीडियो कितना देखते हैं, थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।